हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शर्मा दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पे ये एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों आप सभी की यहां पे डिमांड थी, यहां पे कमेंट्स में, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे मेल पे, चाहे हर जगह में यहां पे आपके ज़रूर ना ज़रूर किसी एक कमेंट या फिर मैसेज को मैं पढ़ता था, और आपकी ये डिमांड रहती थी कि भैया को एक ऐसा एम्पलीफायर बताइए जो कि पावरफुल हो, साथ में यहां पे मैं उसको विदाउट मिक्सर या फिर मिक्सर के साथ जैसे मर्जी चला सकूं, उसको किसी भी टाइप की कंडीशन हो तो मैं वहां पे इसको रन करवा सकूं, साथ में यहाँ पे ओम्स का कोई पंगा ना हो। बाय चांस अगर मैं तीन स्पीकर या फिर ऐसे टाइप के दो स्पीकर डालूं या फिर चार टॉप चलाऊं कम वाट के, जैसे इसके हिसाब से पावर मैचिंग के हिसाब से चलाऊं, तो कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो, तो कोई ऐसा एम्पलीफायर बताइए जो कि देसी हो, मेड इन इंडिया हो, यहाँ पे रगेड तरीके से यूज कर सकें और क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा हो। तो लीजिए दोस्तों, ये है उस टाइप का ये एम्पलीफायर, और यहाँ पे अनबॉक्सिंग बहुत अच्छी होने वाली है, टेस्टिंग भी बहुत अच्छी होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस एम्पलीफायर की बॉक्स पैकिंग को, और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो इसके अंदर की पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी है। रियल ऑडियो के यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ये आपको स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ आते हैं, और यहाँ से हम खोलते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आता है वाइट थर्माकोल, जो कि पैकिंग काफ़ी अच्छी करी गई है। कंपनी ने ये बोला था कि आपको पैकिंग ज़रूर दिखाइए, क्योंकि पैकिंग से संतुष्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये एम्पलीफायर बाई चांस कहीं और मंगाते हैं तो यहाँ पे आपको सेफ्टी का पता रहेगा। तो ये कुल मिला के आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये एम्पलीफायर आ जाता है, और इसके अंदर भी आपको ये थर्माकोल यूज़ करके दे रखा है वाइट कलर में। तो मैं एम्पलीफायर निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आ जाता है रियल ऑडियो की ब्रांडिंग एंड IOC सर्टिफाइड है ये। बेसिकली दोस्तों इसका जो मॉडल नंबर है वो दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है, DJ 2.5 के नाम से इस एम्पलीफायर को जाना जाता है। ड्यूल चैनल एम्पलीफायर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Zone 1 और Zone 2 आपको दो जोन दिख रहे होंगे सेपरेट। यहीं दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इक्वलाइजर इन और इक्वलाइजर आउट। बेसिकली इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यह आता है मोड सिलेक्शन स्विचेस। स्टूडियो मोनो करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, क्या क्वालिटी पे आप चलाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको लो यानी बेस, मिड का आ जाता है यहाँ पे, हाई का यहाँ पे आपको नोब देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम ऐसे यहाँ पे लो, मिड और हाई आपको देखने को मिल जाता है। बाकी Channel 1 और Channel 2 के लिए सेपरेट मास्टर वॉल्यूम आपको दे रखे हैं, तो दोनों चैनल को आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीच में ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन आ जाता है, और यहाँ पे एम्प ऑन, फॉल्ट और पावर ऑन का इंडिकेटर, ये तीनों लाइट आपको देखने को मिल जाती है। यही पे दोस्तों अगर आपको सेपरेट यहाँ पे देखना हो ये इंडिकेटर्स यानी कितने लेवल पे साउंड जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन 0 dB पे तक दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर उससे ओवरलोड जाएगा तो आपको ये शो करेगा कि ओवरलोड जा रहा है, तो इससे आप जान सकते हैं। तो दोस्तों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एम्पलीफायर का बैक पैनल। आपको ये फैन देखने को मिलते हैं, दो बड़े बड़े फैन इसके अंदर लगा रखे हैं। आपको पता है यहाँ पे दो जोन का इस्तेमाल करा गया है, यानी ड्यूल चैनल, तो यहाँ पे दो फैन देना जरूरी था। साथ में दोस्तों भी आप देख सकते हैं, ये आ जाता है ये इनपुट सेक्शन, और इनपुट सेक्शन में आपको दोस्तों XLR भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे TS भी लगा सकते हैं। तो बैलेंस और अनबैलेंस जो दोनों ही हैं, चाहे आप यहां से XLR से इनपुट करें तो यहां से जैक से आउटपुट ले सकते हैं, चाहे आप जैक से इनपुट करिए तो यहां से आप XLR से आउटपुट ले सकते हैं, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी मेरे को देखने को मिलती है। फिर आ जाता है दोस्तों आउटपुट, तो आउटपुट आपको चैनल ए और चैनल बी स्पीकॉन में भी मिल जाते हैं। आप स्पीकॉन का यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ आप टर्मिनल सॉकेट्स का भी यूज़ करके यूज़ में ले सकते हैं। बाकी ये प्रेस टू रीसेट का भी आपको बटन मिल जाता है, बाकी हमिंग आती है, जैसे कि आपको सिर सिराहट से कोई भी हमिंग लगे तो यहाँ से आप अर्थिंग भी इसमें दे सकते हैं। बाकी ये पावर पोर्ट हो जाती है, जिसकी क्वालिटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप की क्वालिटी आपको मिलती है पावर पोर्ट की। और दोस्तों भी आप देख सकते हैं, ये है एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है Zone 1 और Zone 2, यहाँ पे ये मॉड्यूल हैं Zone 1 और Zone 2 के। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स हैं यानी हमारे जो MOSFETs हैं वो यहाँ पे 6 और 6 12 एक मॉड्यूल में लगे हैं, 12 एक मॉड्यूल में लगे हैं, तो टोटल यहाँ पे 24 हो गए। ये आ जाता है दोस्तों कैपेसिटर्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कैपेसिटर्स लगा रखे हैं। ये आ जाता है टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर,
और यहाँ पे ये मेड इन इंडिया है, फुल्ली कॉपर में है। और बाकी यहाँ पे आप फ्रंट बोर्ड की साइड जो कि साउंड कार्ड हो गया, और यहाँ पे जो नोब्स की क्वालिटी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी दोस्तों ये है इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, फ़ैन भी आपको काफ़ी अच्छी, और यहाँ पे बड़ा फ़ैन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये आता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये बैक की क्वालिटी, और यहाँ पे ये है इसका पावर सप्लाई बेसिकली, और ये इसका ट्रांसफार्मर जो कि कॉपर में यूज़ करा गया है, और यहाँ पे सारी मेंशन भी, डिटेल भी मेंशन कर रखी है, तो आप देख सकते हैं। और ये आ जाता है मॉड्यूल 2 कुछ इस टाइप की क्वालिटी का, और इसके अंदर की क्वालिटी को आप यहाँ पे जान सकते हैं, फुल्ली मेड इन इंडिया है यहाँ पे। तो दोस्तों कैसे लगा यहाँ पे आपको ये एम्पलीफायर का फ्रंट और बैक पैनल, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, जरूर नीचे कमेंट बताया गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पावर रेटिंग स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसकी जो पावर रेटिंग है वो है 8 ओम्स पे, ये 500 वाट दे देता है आपको, यानी 500 वाट आपको ये पर चैनल आपको दे देता है। यहीं दोस्तों अगर आप इसको 4 ओम पे रन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों ये 4 ओम पे आपको 800 वाट आराम से दे देगा। यहीं दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पे 2 ओम्स पे रन करवाने जाए, यानी ये 2 ओम्स भी स्टेबल है, तो ये याद रखिएगा ये 2 ओम्स पे बिल्कुल से बिल्कुल स्टेबल है। तो आप इसको 2 ओम पे रन करवाइए, रगड़ के यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये 2 ओम्स पे 1100 वाट आपको देता है। यहीं दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों ये आफ्टर सेल सर्विस के साथ भी आता है, यहाँ पे कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दे देती है। तो यहाँ पे बाई चांस खराब हो जाए तो आप इसको कंपनी के थ्रू भी ठीक करवा सकते हैं, चाहे तो आप आफ्टर मार्केट भी इसको सही करवा सकते हैं। बाकी इंटरनल पार्ट की क्वालिटी आप देख चुके हैं, यहाँ पे सारा का सारा जो मटेरियल यूज करा गया है, सारा सारा जो कंपोनेंट यूज करा गया है, वो इजी मार्केट में आपको मिल ही जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग के थ्रू। टेस्टिंग दोस्तों जैसे कि पता है कि मैं ओवरलोड ही करता हूँ, 4 ओम्स पे 800 वाट है, यहाँ पे टॉप हम लगाएंगे इस पे 1200 वाट, रगड़ के यूज करते हैं, हीट करते हैं इस एम्पलीफायर को, देखते हैं कहाँ तक ये बच पाता है, क्या क्वालिटी दे पाता है और कैसी परफॉर्मेंस दे पाता है। तो चलिए यहाँ पे टेस्टिंग में दिखाता हूँ लास्ट तक, फिर इसकी प्राइस कहाँ से पता करें वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग देखेंगे, और टेस्टिंग से पहले मैं आपको कनेक्शन समझा दे रहा हूँ। तो बेसिकली अभी एम्पलीफायर रखा हुआ है, और इसको मैं अपने मिक्सर से ऑपरेट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है न्यूट्रॉन का 7 चैनल यानी T7, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं इसके साथ, और क्वालिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे एम्पलीफायर के साथ मैं कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ। तो गाइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पीछे इनपुट सेक्शन, तो ये आ रहे हैं हमारे इनपुट यहाँ से, और ये मेन है, तो ये मेन से इनपुट हो गए यहाँ आ गया, और ये 2 हमारे स्पीकर्स हो गए जो कि 2 टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम 2 टॉप यूज़ कर रहे हैं हमारे 1200 वाट, तो 1200 वाट के टॉप हमने लगा रखे हैं, और फिलहाल में भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ से मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों चलिए यहाँ से मैं गाना प्ले करता हूँ और अपने फैड उठाता हूँ। तो दोस्तों वक्त आता है यहाँ पे विदाउट मिक्सर इसको आप कैसे ऑपरेट करें। तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे फ्रंट पे आपके पास 2 स्विच होते हैं, एक तो इक्वलाइजर आउट, इक्वलाइजर इन। तो सिंपली आपको इक्वलाइजर इन कर देना है, क्योंकि आप यहाँ पे एम्पलीफायर का इक्वलाइजर यूज़ कर रहे हो, साथ में आपको स्टूडियो का मतलब ये है कि एक ही चैनल पर भी आप इनपुट करोगे, अगर पास 2 आउटपुट हैं, या चाह लीजिए आपके पास यहाँ से अगर आपके पास 2 आउटपुट हैं तो आप इसको स्टूडियो में करके भी चला सकते हो, अगर इसका एम्पलीफायर का इक्वलाइजर आपको ऑन करना है तो। बाकी मैं तो अभी सिंगल ही इनपुट करा है मैंने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये सिंगल इनपुट पे मैं इसको चलाऊंगा 2 चैनल, तो मैंने यहाँ पे मोनो कर दिया है, और मैं चला के आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ कैसा। दोस्तों यहाँ से हम गाना प्ले करते हैं, और ये प्ले करा मैंने, तो यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम काम नहीं करेगा, बिकॉज मैंने मोनो करा है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा ये वाला वॉल्यूम काम करेगा, और ये सारे लो मिड हाई फ्रिक्वेंसी सारे नोब आपको काम करते हुए मिलेंगे, देख सकते हैं। मैंने लो कम कर दी, लो कट चुका है, अब लो बढ़ा दूंगा, लो आ गई, ये हाई आ गई।
मंजी 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 तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा इस एम्पलीफायर ने। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये 2 ओम भी स्टेबल है और यहाँ पे 4 ओम पे मैंने अभी 800 वाट की जगह इसको यहाँ पे 1200 वाट लगा है, क्योंकि ओवरलोड टेस्ट हमें करना था यहाँ पे। तो आई होप आपको ये टेस्टिंग पसंद भी आएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ ये एम्पलीफायर। अगर आप कोई देसी एम्पलीफायर यहाँ पे मेड इन इंडिया में जाना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं प्राइसिंग और कहाँ से अवेलेबल होगा। तो दोस्तों नीचे मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है रियल ऑडियो का, तो ये यहाँ पे भी आपके पास शो हो रहा होगा। साथ ही साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, प्राइस भी नीचे मैंने लिख रखी है, कमेंट में भी मैंने प्राइसिंग लिख रखी है। ये ध्यान रखिएगा, प्राइसिंग मैं लिख चुका हूँ, तो जाके जरूर देखिए कमेंट में। और आपने कमेंट भी आप जरूर करें इस एम्पलीफायर के बारे में, कैसा लग रहा है ये एम्पलीफायर जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ प्राइस भी देख लीजिए और कॉल करिए, आपको ऑल ओवर इंडिया सर्विस मिलेगी और डीलर का एड्रेस भी आपको दे दिया जाएगा अगर आपके स्टेट में डीलर होता है। नहीं तो आपको यहाँ दिल्ली से या फिर इसकी जो शोरूम है वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट या फिर कुरियर के जरिए ये भेज दिया जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों आपको कैसा लगा एम्पलीफायर वो मेरे मैंने रखते तो बता के जाना नीचे जरूर कमेंट में। ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।